इंदौर शहर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला संयुक्तागंज थाना क्षेत्र के नौलखा का है, जहां रॉन्ग साइड से आ रहे बेलगाम आयसर वाहन ने तीन वाहनों को टक्कर मारते हुए एक मकान में जा घुसा। गनीमत रही कि परिवार घर के ऊपर वाले कमरे में था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन आयसर चालक मौका देख गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ियों को थाने भिजवाया है। वहीं आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। ये जो घटना हुई है, आयशर हमारे घर के अंदर घुस गई है। ये जो आयशर थी वो अपोजिट लेन में थी। अपोजिट लेन में बहुत स्पीड ब्रेकर था वहाँ पर, तो वो इतनी स्पीड में था आयशर वाला कि वो हमारे अपोजिट लेन में आने के बाद डायरेक्टली घर के अंदर घुस गया। और इसमें बाहर जो कार खड़ी थी, टू व्हीलर्स दो खड़ी हुई थी, वो भी पूरी डैमेज हो चुकी है और घर के अंदर तक पूरी आ गई है। शटर्स और ग्लास वगैरह सारे टूट गए हैं। मतलब हमारा जो ऑफिस है, कंपनी है ऑब्लिगर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है हमारी। तो एम्प्लॉइज जस्ट हमारे गए ही थे और ये हादसा हो गया, 9:45 से 9 के बीच में हादसा हो गया। नहीं, इसमें किसी को लगी नहीं है। ये था कि ज़्यादा अंदर नहीं, हम लोग जस्ट यहीं खड़े थे, बाहर ही खड़े थे, बस शटर नहीं ओपन किया था हमने, वरना अगर बाहर खड़े होते तो शायद हानि हो जाती कुछ हमारे। इसमें लापरवाही यही है कि जो ड्राइवर था बहुत ज़्यादा स्पीड में था और उससे कंट्रोल नहीं हुई है और उसने पी रखी थी, जैसा पुलिस ने भी बताया, क्योंकि अपोजिट लेन में इतनी दूर से यहाँ तक आ जाना। क्या इसको पकड़ लिया कि भाग गया? वो भाग गया है और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके भी भाग गया है। जैसा कि पुलिस ने चेक किया गाड़ी में, तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है गाड़ी के। टोटल कितनी गाड़ियों को नुकसान? टोटल तीन गाड़ियाँ नुकसान हुई है इसमें, जिसमें दो टू व्हीलर है और एक कार है। जी, तीनों हमारी है। और पुलिस का यही कहना है कि वो पिया हुआ ही था, जिस तरीके से वो इतने स्पीड में था और उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो आ गया यहाँ पर इधर। पुलिस वालों ने भी और जी, आपका नाम बता? प्रियंका तिवारी। और पुलिस भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है पुलिस का भी, मतलब 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक पुलिस का कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है। क्रेन भी नहीं आई है, वो लोग जब से विजिट करके गए हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।